सो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर नेक्स्ट में। देखिए आप सब ठीक होंगे। आज मैं रिएक्शन देने वाला इमिवे बंटाई के एक सॉन्ग पे। मैंने इमिवे बंटाई के एक सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था अप्रैल में, आज से करीबन कोई 6-7 महीने पहले। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इमिवे बंटाई के एक सॉन्ग के, इमिवे नो ब्रांड 4 और नो ब्रांड एपिसोड 1 टेक में इन्होंने पूरा गाना गाया है, इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। एनिमी वे बंटाई का फीचर सॉन्ग लेके आए थे। एनिमी वे बंटाई का वो सॉन्ग अभी तब बहुत हिट हुआ था, सो वो टेक्निकल इशू जो कि मैंने डिलीट ही कर दिया है वो रिएक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस सॉन्ग नो ब्रांड 4 एंड 1 टेक। देखते रिएक्शन क्या आता है। सो उससे पहले अगर आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऊपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा, तो जाओ सब्सक्राइब करो। बदन पे नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटोफिल से। नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटोफिल। हाँ बातें सुन लेकिन कम बोला कर, तेरा मेरा मत किया कर, हम बोला कर दम बोला कर, मेरे गाने फटे जोर से प्यार हो गया है मेरे लोगों के शोर से, गौर से सुनती है पब्लिक मेरी बातचीत, खुश रहता हूँ फर्क नहीं मुझे हार जीत, मारपीट करते थे बचपन में जवानी खत्म नहीं होगा दिखेगा बचपन में। बदन पे नो ब्रांड्स आ तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई जिस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटरफेस से। नो ब्रांड्स आ तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई जिस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटरफेस। हाँ अभी से जी रहा हूँ जिंदगी को उस प्रकार जिस आकार का बनाना चाहता हूँ, तूफान लाने से पहले भूकंप लाना चाहता हूँ, पानी का पंप लाना चाहता हूँ उसके घर पे जिसके घर पे पानी नहीं, आज भी बहुत लोगों के घर पे पीने को पानी नहीं, कहानी नहीं ये सच्चाई है, बोले को बहुत सारा सच्चाई है, सब चाहिए लोगों को फुकड़ में ही सब चाहिए, एक दूसरे की नकल उतारते ही है परछाई है, भला करेगा तो तेरे लिए ही अच्छाई है, सबको लगता है अपना चावल पक गया अबे ढक्कन हटा के देख कच्चाई है। बदन पे नो ब्रांड्स आ तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई जिस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटरफेस। हाँ, सोच को बदल तो सोच भी बदलेगा, अगर गंदे दोस्त साथ में तो दोस्त भी बदलेगा, अगर सही ख्वाब साथ में तू लेके चलेगा तो तू देते चलेगा, सबका पेड़ भी जलेगा संभाल के, दुनिया में मतलब नहीं रिश्ता पाल के, कोई किसका नहीं यहाँ पे शिकार माया जाल के, हड्डी भी ना खाल के सर्दी बरेले माल के, कोई चला जाएगा डाल के लगे पड़े है बाल के, 12 महीने साल के संभाल के संभाल के। बदन पे नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले, नो थैंक्स कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत से आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटरफेस से। नो ब्रांड्स नो थैंक्स बहुत फैंस आड़ा नहीं लेना वरना राड़ा सीधा इंटरफेस। यार क्या बंदा है यार, एक टेक में पूरा सॉन्ग। मैंने तो इसके काफी सॉन्ग सुने थे, काफी फैन तो कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा फैन हो चुका हूँ मैं इसका, बट यार एक टेक में बंदा पूरा गाना गाए और 3 मिनट का, लगभग 3 मिनट का गाना था, आजकल आ रहे हैं 3 मिनट के गाने से ज़्यादा आ नहीं रहे, 3 मिनट 3.5 मिनट में कोई अच्छा सा गाना हो तो 4-5 मिनट तक चला जाता है, बट ये 3 मिनट का गाना बहुत ज़बरदस्त था। एमी वे बंटाई के मैंने 2-3 सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दिया था अप्रैल के महीने में, और तीनों ही सॉन्ग बहुत ही वायरल हो गए थे, बहुत ही हिट हो गए थे। एंड हो सकता है कि यार अभी भी मेरे चैनल पे एमी वे बंटाई का कोई सॉन्ग पड़ा हो, पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं आप, बट आज का जो सॉन्ग था वो बहुत अच्छा, और एमी वे बंटाई के काफ़ी अच्छे सॉन्ग आते हैं यार। एमी वे बंटाई एक ऐसे इंडियन यूट्यूबर, ऐसे इंडियन सिंगर है जिसके काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं। मैंने इस महीने में आई थिंक मतलब अक्टूबर की बात करूँ, ये तो अभी नवंबर में स्टार्ट है, अक्टूबर की बात करूँ अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग आए और ये फर्स्ट नवंबर को ये सॉन्ग आया है यार। मतलब कि इसके मैक्सिमम 2-3 सॉन्ग आते हैं एक महीने में, और 2-3 सॉन्ग यार बंदा
एक नॉर्मल यूट्यूबर भी 2 से 3 वीडियोस नहीं बना सकता, नॉर्मल यूट्यूबर में जिसके 10-15 मिलियन व्यूज या सब्सक्राइबर हो, सॉरी। सो वो और फिर ये बंदा, सॉन्ग तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, वीडियोस तो फिर भी बन जाती है, बट सॉन्ग की कंपोजिशन, लिखना, राइटिंग, ये वो बहुत मुश्किल काम है। मैंने काफ़ी ट्राई किया सॉन्ग के ऊपर, मुझसे नहीं हो पाया, लिरिक्स काफ़ी लिखे हुए, सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो पाते मुझसे। सो बहुत मतलब क्या यार, ये बंदा ऐसा बंदा यूट्यूबर है कि इंडिया के महीने में तीन तीन वीडियो सॉन्ग्स ऑडियो भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं, एंड यार मिलियंस के ऊपर इसके व्यूज चले जाते हैं। बड़ी बात यह है, चलो मान लेते हैं कि बंदा यार व्यूज नहीं आ रहे, ये वो नहीं आ रहे, तो फिर बंदा वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बट ये व्यूज़ भी आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, छाप रहा है पैसा, और फिर भी तीन तीन वीडियोज बहुत कमाल कर रहा है, एंड टाइटल्स, ट्रैक्स, वीडियो सब अच्छे से अच्छे है, एंड सबसे अच्छा कि लिरिक्स इसके अच्छे होते हैं, लगता अच्छा है, रैप सॉन्ग आता है तभी बहुत पसंद करें। आजकल बहुत ज़्यादा रैप सॉन्ग आ रहे हैं लोग, और सब इसी को पसंद करते हैं, इसी तरह रैप सॉन्ग्स पसंद करते हैं। गली भाई जब फिल्म आ रही थी तो मुझे कहा था कि यार हो सकते हैं, गली भाई जब आ रही थी तब भी इसके सॉन्ग आए थे, और तब भी मतलब बहुत वायरल हुआ था, एंड मैंने उस टाइम पर भी हो सकते कि रिएक्शन दिए, और याद नहीं है मैंने रिएक्शन दिए ज़रूर थे। एंड सेकेंडली ये कि यार बहुत अच्छा गा रहा है इंडिया में, इसी तरह यूट्यूबर पैसे में भी इसी तरह सिंगर आने चाहिए, और अगर ये पाकिस्तान आए और ये पाकिस्तान में कोई कंसर्ट करे तो प्लीज़ कराची में कंसर्ट कर लो, दिल से फैन हूँ दिल से, एंड मैं इंशाल्लाह इसके कंसर्ट में जाऊँगा ज़रूर, करा ये पाकिस्तान में आए और कोई कंसर्ट करे। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, अरे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बड़ वक्त मिल सके, और इधर इधर मेरे ब्लॉग चैनल के लिंक, इसमें सब्सक्राइब कर सकते, लाइक कर सकते, शेयर कर सकते। अच्छा, इतने काफ़ी मिलते के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।